मध्यप्रदेश में समस्त प्रकार के माफियाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त। वहीं खरगोन में हाल ही में अवैध शराब तस्करी की कार्रवाई का एक काला सच सामने आया है। वहीं पुलिस अपनी इस तस्करी की कार्रवाई पर पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन इसके पीछे की कुछ अलग ही कहानी है, जहां पर सांठगांठ के चलते लगातार कई समय से राजस्व एवं शराब व्यवसायियों को लंबे नुकसान के चलते खुद ही अपने कर्मचारियों की मदद से शराब तस्करों को पकड़वाया। यह अंधा कानून है, सब कुछ कर सकती है पुलिस। मुखबिर पर हुई एफआईआर का काला सच। शराब व्यवसायी के कर्मचारी ने पुलिस में मुखबिरी कर पकड़ाई अवैध शराब। अवैध शराब तस्कर की शिकायत पर मुखबिरी के इनाम में मिली धारा 354। पुलिस ने कुख्यात अपराधी बदमाश को आबकारी व पुलिस प्रशासन के दल के साथ मौके पर पकड़ा गया था। वहीं मुख्य आरोपी के सहभागी गाड़ी मालिक फरार हो चुका था, जो आदतन अपराधी की गई मुखबिरी से नाराज होकर लगातार वह दबाव बना रहा था। वहीं कार्रवाई के कुछ दिनों बाद अवैध शराब बेचने वाले के परिवार से मिलकर मुखबिरों पर ही 354 का इनाम से नवाज दिया गया। बताया जाता है कि अवैध शराब तस्करों को मुखबिरों पुलिस की सहायता कर पकड़वाने के कारण मानसिक रूप से डराया धमकाया जा रहा था। इसकी शिकायत भी ऊपर तक अधिकारियों को की गई है, जिसकी जांच चल रही है। सवाल ये उठता है कि कुछ दिनों बाद ही मुखबिरों पर कई गंभीर धाराओं से केस दर्ज कर दिया गया है एवं पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई थी, जिसे मात्र हजारों की कीमत में ही बताया गया। षड्यंत्र पूर्वक की गई शिकायतों जैसे कई गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। जब वॉइस ऑफ राइट्स की टीम को इस घटना की जानकारी मिली, तो हम इस घटना का सच जानने के लिए हमारी टीम के साथ अवैध दारू के ठेके पर स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंच गए। हमने पाया कि किराने की दुकान पर से लेकर मोबाइल की दुकान तक पर बिक रही है अवैध शराब। ऐसे 10 ठिकानों के वीडियो खरगोन जिले के हम आपको दिखा देंगे।